हमास से धोखा हिजबुल्ला अकेला। जी हाँ, क्या महाविनाश का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है? क्या गाजा जंग में रूस और अमेरिका की सीधी एंट्री अब होने वाली है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ भूमध्य सागर में अमेरिका अचानक एक्टिव हो चुका है तो दूसरी ओर पुतिन का करीबी चेचन कमांडर के जंग में एंट्री के संकेत मिलने लगे हैं। उधर हिजबुल्ला चीफ पर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, सारी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। गाजा में इसराइल के विनाशकारी हमले की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। गाजा में हमास शीफ के घर पर अटैक हुआ है और हमास शीफ इस्माइल हानिया के घर पर हुआ है हमला। इस वक्त कतर में रह रहा है हमास शीफ, लेकिन गाजा में जो उसका घर है वहां पर यह हमला हुआ है। घर में कौन था फिलहाल इसकी अभी जानकारी नहीं है। घर पर ड्रोन से मिसाइल हमला किया गया है। हमास चीफ इस्माइल हानिया, इसके बारे में आपको बताते हैं। हमास का सुप्रीम लीडर है हानिया और 1962 में गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविर में इसका जन्म हुआ है। देखिए जानकारी दे रहे हैं हम इस्माइल हानिया से जुड़ी हुई, जो कि हमास चीफ है, हमास का सुप्रीम लीडर है। 1962 में इसका जन्म हुआ था शरणार्थी शिविर में और हमास के लड़ाके इस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। 2006 से हमास का ये सुप्रीम कमांडर है। 2011 में लादेन को मारने का इसने विरोध किया था और अब इसकी लोकेशन फिलहाल कतर में बताई जाती है, लेकिन गाजा पट्टी में जो इसका घर है उस पर बड़ा हमला हुआ है। हमारे साथ सहयोगी मनीष झा भी ग्राउंड जीरो से मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे। मनीष, इस्माइल हानिया बहुत खतरनाक हमास का चीफ, फिलहाल उसकी लोकेशन कतर बताई जाती है, लेकिन गाजा पट्टी में उसके घर पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। घर में कौन कौन मौजूद था, अभी तक इस खबर पर क्या क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए इस वक्त खबर यही है कि इस्माइल हानिया का जो गाजा स्थित घर है उस पर ड्रोन से हमला किया गया, उसे नष्ट किया गया, जो बहुत स्वाभाविक भी है क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद अगर इसराइल का कोई नंबर एक दुश्मन है, कोई एक नंबर एक जानी दुश्मन है तो वो कौन है? वो इस्माइल हानिया है जी। इस्माइल हानिया भले ही कतर में रह रहा है या फिर कतर के अलावा भी वो छुपकर जहां भी रह रहा हो, आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि इसराइल की एजेंसियां उसे छोड़ने वाली है, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो IDF की टीम ग्राउंड पर मौजूद है उन्होंने इस्माइल हानिया के उस घर पर, जो कि उसका घर है, उस पर अटैक किया है। मुझे ताजुब नहीं होगा अगर वहाँ पर आज की तारीख में इस्माइल हानिया के परिवार के नहीं रहने पर हमास के लड़ाके रहते होंगे और मुझे लगता है बहुत जल्द ही IDF की तरफ से इसके बारे में डिटेल और जानकारी दी भी जाएगी। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, बहुत बढ़िया खबर।